डिंडोरी जिला मुख्यालय के मंडला बस स्टैंड के स्थित खाद गोदाम में सोमवार की सुबह किसानों की भारी भीड़ लगी रही। बताया गया कि खाद पाने वाले किसानों को टोकन का वितरण किया जा रहा था और उसी दौरान किसानों की गहमा गहमी टोकन पाने के लिए देखी गई। खाद गोदाम पहुंचे किसानों ने बताया कि उनके गाँवों के पास स्थित खाद गोदाम में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान डिंडोरी खाद गोदाम खाद लेने पहुँच रहे हैं। गौरतलब है कि किसानों की बेकाबू भीड़ होने के चलते किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। बताया गया कि समय पर खाद बीज उपलब्ध न होने के कारण किसानों को खेती किसानी में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खाद गोदाम पहुंचे किसानों ने व्यवस्थित ढंग से खाद उपलब्ध किए जाने की मांग की है, ताकि सभी किसानों को खाद उपलब्ध हो सके और किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। बस स्टैंड स्थित खाद गोदाम में सोमवार की सुबह से ही किसानों की भीड़ लग गई। खाद गोदाम में पहुंचे हुए किसानों के अनुसार उनके गाँव में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से एक किसान डिंडोरी खाद गोदाम पहुंच रहे हैं, जहां भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खाद लेने पहुंचे किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है। गौरतलब है कि यही हाल हर साल खाद पाने के लिए किसानों को किया जाता है, जहां हर बार उन्हें खाद के लिए मारामारी करनी पड़ती है। इसके बावजूद पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता न करवाना सवाल खड़ा करता है। विराट 24 न्यूज के लिए डिंडोरी से नेमलाल झारिया की रिपोर्ट। देखा जा रहा है पब्लिक इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ, उनको जो है खाद नहीं मिल पा रही है किसानों को। बाहर कब से खड़े हैं सुबह से लेकर, क्या समस्या है? लाइन से ले नहीं रहे हैं, लाइन से ले रहे हैं, लाइन से खड़े रहे हैं तो क्या उनको विधिवत आपको बांटना चाहिए उनको, मतलब लाइन लगा के कुछ इस तरह की? हाँ, लाइन लगे हैं, हम बढ़ने तैयार हैं। तो ऐसे में पब्लिक जो है परेशान हो रही है, गर्मी अलग है, काफ़ी दूर से आए हैं, क्या करेंगे? आज नहीं मिलेगा, देखना जिला के आते हैं। बाहर जो है विवाद की स्थिति बन रही है, तो बस थोड़ी सब इसके लिए लाइन से आए या टोकन दे रहा है ना, टोकन वही आए 150 का टोकन। क्या पुलिस प्रशासन से आप मदद लेना चाहेंगे? जी आजी बोलोगे क्या? आजी बोला है। क्या नाम है आपका? संजीव। किस पद में? क्षेत्र सहायक। किस पद में? क्षेत्र सहायक।